सेवा संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है, उन्होंने नेक काम किया और ललितपुर की जनता इनको निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है और हम चाहते हैं कि अन्य जिलों में भी अन्नपूर्ण सेवा अपनी सेवाएं दे, इस तरीके से लोगों के लिए शुद्ध और शाकाहारी भोजन नसीब हो रहा है। देखिए, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने एक नहीं कई काम, अभी इन्होंने कपड़ों के लिए भी, गरीबों के लिए कपड़ों का भी क्लब उन्होंने तैयार किया है और उन्होंने प्याऊ का उद्घाटन भी किया हुआ है। तो इस तरह इन्होंने एम्बुलेंस का भी, रक्तदान का भी, इन्होंने आंखें भी डोनेट कराई, ऐसे इन्होंने अन्य काम बहुत किए हैं। इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें अन्नपूर्ण सेवा संघ। ये है ऐसा संस्था, ऐसा काम जो ललितपुर में, समझ लीजिए आप, आज तक किसी ने नहीं किया, वो हमारे अमित भैया के द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा हो रहा है। जहाँ जिस चीज़ के लिए आदमी तरस रहा है, मतलब पेट के लिए, भोजन के लिए, वो यहाँ निःशुल्क और इतने प्यार से कि घर में भी आदमी सोचता नहीं होगा कि इतने प्यार से खिलाया जाएगा, वो यहाँ खिलाया जा रहा है। और इससे अच्छी बात कहाँ है। और एक मतलब वो नहीं है संस्था, देखिए अन्नपूर्णा भोजनालय है, कपड़ा वाला है क्लब, जनक जननी है, वृद्ध आश्रम है, कितनी रक्तदान है, एम्बुलेंस सेवा है, सारी इतना मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन वाला है तो बहुत बड़ी बात है। और आपके सामने आप देख ही रहे हैं इतने लोग जिनके, समझ लीजिए अगर पेट भर गया तो समझ लो दुनिया जहान की सारी खुशी मिल गई। तो इतने लोगों को, भूखों को भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। इसके बाद मैं विनय ताम्रकार, अन्नपूर्णा सेवा संघ का मीडिया प्रभारी। मैं आपको एम्बुलेंस सेवा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है 6 जून से स्टार्ट हुई है और आप ये मानिए कि रिफ़र चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो, आप हमारे संबंधित जो एम्बुलेंस प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या संस्था के लोगों के मोबाइल नंबर जगह जगह लिखे हुए हैं, आप उनको कॉल करिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस जहां आप होंगे वहां आ जाती है और पूर्णतः निशुल्क है। आपको डॉक्टर ने झांसी रेफ़र किया है तो झांसी भेजेंगे, भोपाल रेफ़र किया भोपाल, ग्वालियर, इवन दिल्ली तक हमारी एम्बुलेंस ललितपुर से दिल्ली तक निशुल्क
मरीज और उनके परिजनों को छोड़ने गई है। मैं डीजल नहीं, वो तो टोटल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई डीजल पेट्रोल नहीं, कोई पैसा नहीं, टोटल निःशुल्क। ऐसे ही ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन में अभी भी आप ये मानिए 12 से 13 कंसंट्रेटर चल रहे हैं, 4 बड़े सिलेंडर और करीबन 6 छोटे सिलेंडर अभी वर्तमान में ललितपुर जनपद के विभिन्न मरीजों को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अभी वर्तमान में चल रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से जिस दिन मरीज एम्बुलेंस के लिए या ऑक्सीजन के लिए हमें निवेदन करता है, हम लोग उसको देते हैं और वो सूचना फेसबुक के माध्यम से शेयर भी करते हैं। सबसे पहले ईश्वर की अशीब अनुकंपा के लिए उनका आभार करेंगे और साथ में हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनका हम दिल से आभार देंगे। उनके कारण आज यह कार्य संपन्न हुआ। शहर के और बाहर के जो दानदाता पुण्यार्जक हैं, जिनके द्वारा किए जा रहे सहयोग से ये अनवरत चल रही है, सुबह शाम 400 से 500 लोगों का एक समय में भोजन कराना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन जो हमारे दानदाता पुण्यार्जक हैं, हमारी टीम है, वह निरंतर सहयोग करती है, जिससे आज 7 वर्ष संस्था ने पूरे किए और 8वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। साथ में भोजनशाला से शुरू करने के बाद आज 4 प्रकल्प और शुरू कर लिए हैं, एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क मरीजों के लिए, ऑक्सीजन बैंक गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन के लिए, क्लॉथ बैंक रात में मरीजों के परिजन जो उनके साथ बिना कपड़े के होते हैं जिनको ठंड लगती है, रजाई गद्दे के लिए, और अब 5वां प्रकल्प अन्नपूर्णा जल सेवा, जिसमें एक बड़ा आर ओ प्लांट और साथ में चिलर, पूरा 1000 लीटर की टंकी वाला चिलर लगाया है, जिसमें मरीज के साथ उनके जो परिजन आए उनको ठंडा पानी और शुद्ध आर ओ का पानी मिल सके। इस प्रकार से 5 प्रोजेक्ट आज संस्था लगातार चला रही है और अन्य जहां भी आवश्यकता होती है, रक्तदान से लेकर अन्य कहीं भी, उसमें तो संस्था हमेशा प्रयास करती है कि लोगों की मदद कर सके, जिसके लिए हम पुनः सभी का आभार व्यक्त करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? हम चाहेंगे कि लोग बाग इसी प्रकार से समाज सेवा के कार्य करें, चाहे वो अन्नपूर्णा के साथ जुड़कर करें, चाहे वो अपने मन से अलग से करें, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को देखें, कहाँ किसी को कोई आवश्यकता है उसकी वो मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी तो समस्या दूर कर ही देंगे, वो स्वयं भी पुण्य अर्जित करेंगे, जिससे उनको भी कभी वैसी समस्याएं नहीं आएंगी, और इस प्रकार से हम अपने शहर में, अपने देश में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं।